इस सामाजिक भाईचारा रैली के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी विधायकगण, रोहतक के सांसद अजीत दीपेंद्र जी, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व सांसदगण व स्टेज पर बैठे सभी मेरे नेतागण सम्मानित मंच, भाई स्टेज पर ओड़ा मत करो, तुम स्टेज पर कोई बात नहीं करेगा, और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माता और बहनों, भाई मैंने जिंदगी में बहुत प्रेम मिला, स्नेह मिला आपका, लेकिन आज जो आपका प्रेम और स्नेह है इसका कोई मुकाबला नहीं, मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं उतार सकता। आज और आज वो दिन जो 1857 में क्रांति का हुई थी, और क्रांति कहाँ से हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, हरियाणा में अंबाला से, अंबाला से मेरठ, और मेरठ से पूरे देश में फैली, और राजा नाहर सिंह, जज्जर के नवाब, कितने मंगल पांडे को बताया दीपेंद्र ने, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, और देश आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़कर देश आज़ाद हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। और आज मैं कह सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ये जो लंबी लड़ाई लड़ी भारत ने गांधी जी के नेतृत्व में, भाई आज की भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नहीं था उस लड़ाई में, जो अपने आप को कहते हुए हम देशभक्त हैं, देश, हाँ मेरे सर दादा थे, फिर मेरे दादा जेल में रहे, मेरे पिताजी रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद। अब बात आई भारतीय जनता पार्टी की, 2014 में बहुत सारे वायदे किए थे, जैसे दीपेंद्र ने बताया, उसमें से जैसे 15-15 लाख आएंगे, भाई देखो आज पूरा हरियाणा बैठा है यहाँ। एक बात मैं कह रहा हूँ खुल के, भाई जिसके आगे हों 15 लाख उसका धर्म बनता है बीजेपी को वोट दो, और जिसके नहीं आए हो उसका धर्म बनता है भाई मारे को वोट दो। झूठ बोल कर जिसने सत्ता अपनाई हो, जिन लोगों ने, आज उनको रास्ता दिखाने की जरूरत। अक्टूबर में चुनाव होना है असेंबली का, हमारा निशाना केवल दिल्ली है नहीं है, लक्ष्य चंडीगढ़ है भाई। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो उसको एक ही लड़क है कि रोहतक और सोनीपत। मैंने सुना है उनकी पार्टी मीटिंग में सब जगह यही बात होती है, भाई रोहतक और सोनीपत को हरा लो, जब तक मेरा फैसला नहीं हुआ था यहाँ का, जब कह रहे थे कि दीपेंद्र को हरा लो, मैंने कहा भाई दीपेंद्र को हरा लो, दीपेंद्र सुनना है क्या, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रोहतक और सोनीपत को निशाना बना रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ, रोहतक, सोनीपत और जींद के लोगों ने भाई अपनी छाती अड़ा दी है, अपनी छाती अड़ा दी है, देख लो, और छाती अड़ी खड़ी है, हर बार के लिए तैयार है, हर उसके लिए तैयार है यहाँ के लोग, जो तुम्हारे से हो सकता हो और करो, अगर फलक की मंशा है यहीं बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं आसियाना बनाने की। पिछले 5 साल से कोशिश हो रही है, कोशिश हो रही है मेरी आवाज़ दबाने की कि मैं यहाँ आवाज़ ना बोलूँ, जो मेरे किसान के साथ
जाति हो रही है, उसकी आमदनी घट रही है, मंडी में खरीद नहीं हो रही, मैं उसकी आवाज़ ना उठाऊं। जो गरीब आदमी के साथ जाति हो रही है उसकी आवाज़ ना उठाएं, जो रोज फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं उसकी आवाज़ ना उठाएं। और आवाज़ उठाने के लिए रोज धमकियाँ दी जाती हैं, झूठे केस बनाए जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्वतंत्र सेनानी का बेटा हूँ भाई, जो अंग्रेजों से नहीं डरे तुम्हारे से क्या डरेंगे। ये झूठे मुकदमे से डरने वाला नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अभी कल आपने देखा यहां हरियाणा में इन्होंने 3 बार हरियाणा जलाने का काम किया, 3 बार आंदोलन के समय पंचकुला में और रामपाल कांड में 3 बार। और जब बेकाबू हो गया 80 लोग गोली से इन्होंने मरवाए। हरियाणा बना 2014 तक 80 नहीं मरे, तो इन्होंने इस समय में 80 मराए। और उसके बाद एक प्रकाश सिंह कमेटी बनी, प्रकाश सिंह कमेटी के जांच जो करनी थी, रोज इनके बयान आए कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें पूर्ण रूप से इस सरकार को दोषी ठहराया। अब उस रिपोर्ट गायब कर दिया आज इन्होंने, उसकी कोई चर्चा नहीं। क्यों नहीं पब्लिक करते सारी उसकी पब्लिक की रिपोर्ट, झूठे नाम लेते हैं। अब 3 साल के बाद पोल खुली भाई इनकी, कभी मेरा नाम लेते हैं कभी और किसी का नाम लेते हैं। 3 साल के बाद पोल खुली कैसे? कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बयान दिया क्या कि मैं पश्चाताप करता हूँ कि राजकुमार सैनी को हमने टिकट दी और उसको कंट्रोल नहीं करा और इसने लोगों को उकसाया। और राजकुमार सैनी कहता है कि चंडीगढ़ में हाथ पे हाथ रख के बैठ के मुख्यमंत्री ने हरियाणा जलाया। बात तो सही है, फिर दूसरों का झूठा नाम क्यों लेते हो भाई? सांपला में कुछ और कहा, कुरुक्षेत्र में कुछ और कहा। मैं ये कहता हूं कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट दी जाए, उसकी पूरी खुलासा किया जाए और किसी का झूठा नाम ना लिया जाए और झूठे लोगों को ना फंसाया जाए। सिर्फ राजनीतिक बदलाव लेने के लिए मेरे माँ बाप मेरे सब कुछ ये बैठा, मेरा सब कुछ ये मेरे सामने बैठा है। मैं इनके सामने कहता हूँ आज, अगर जिसने भी दंगे में हाथ लिया है और ये झूठा नाम लेते हैं भाई, उसका बीज नाश होगा। अब बोलो हिम्मत है तो करो। 4 साल हो गई, झूठे इल्जाम झूठे मुकदमे, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं ये हरियाणा का मुख्यमंत्री झूठ की फैक्ट्री है, सबसे और कुछ नहीं है। इनको और फैक्ट्री नहीं लगा रखी ना, झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। और मैं आज आपके सामने वचनबद्ध हूं कि जब अगर हमारी सरकार आएगी, असली दोषी कौन है कब्र में से भी निकाल के सजा दिलवाऊंगा दंगों की। आज और कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है, आज इनको अक्टूबर दिखता है, अक्टूबर के चुनाव दिखते हैं। जो 2004 में हुआ था वही हालात अब है। 2004 में विधायक था, जैसे आज हूं, पार्लियामेंट के चुनाव आए, मेरे को पार्लियामेंट में भेजा गया, तो यहां लोगों ने क्या ले भाई, वो तो गया पार्लियामेंट में। लेकिन 2005 में आए चुनाव तो कौन बना भाई मुख्यमंत्री? वही बात है, केवल वही कारण है कि झूठे इकट्ठे हो रहे हैं। कोई झूठे इल्जाम लगा रहा है और मेरा मकान जला दिया, कोई झूठा इल्जाम कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई साबित तो करो, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुम्हारे हिम्मत है तो केस रजिस्टर करते। नहीं,
हिम्मत नहीं, झूठ कभी चलती नहीं, झूठ कभी उठती नहीं है, सच ऊपर आके रहती है, सच्चाई की जीत होती है। और आज ये जो मेरे सामने जनसमूह खड़ा है, ये केवल और केवल सच्चाई की जीत है। भाई एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज राजनीति इस मोड़ पे खड़ी है। एक बात बताओ भाई, तुमने अपना राज चाहिए? तो अकेला तो नहीं जा सकते, यूं करो काम बांट लेते, एक काम तुम करियो, एक मैं करूंगा। तुमने क्या करना है? नहीं बात सुनो, तुमने क्या करना है? 36 बरारी ने इकट्ठा होकर संयम से, समझदारी से दोनों ये लोकसभा की सीट जीतनी है, और मेरे को और दीपेंद्र को पार्लियामेंट में भेजना है। और तुम ये काम करो, फिर एक काम मैं करूंगा, अक्टूबर में तुम्हारी सरकार मैं बनाऊंगा। और सरकार बनने के बाद हम क्या क्या करेंगे, मैनिफेस्टो में है हमारी कांग्रेस पार्टी में कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसान का कर्जा माफ करेंगे। हम कर्जा माफ से लेकर कर्ज मुक्त तक उसको लेके जाएंगे, और किसान का अलग बजट बनाएंगे। ये राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें इसका प्रावधान है, उसका अध्यक्षता जो ये बनाया मैनिफेस्टो किसानों के बारे में। और स्थायी राष्ट्रीय कमीशन बनाएंगे जो कि कीमत लागत के हिसाब से निर्धारित करे, लाभदायक खेती बनाए ताकि किसान को कभी कर्जे की जरूरत ना पड़े। और दूसरा, गरीब आदमी है जो हमने पहले भी किया, हरियाणा सरकार बनेगी तो दलित है, बैकवर्ड क्लास है, उनके निगमों का जो कर्जा था माफ किया था, अब फिर उनके निगमों का कर्जा माफ करेंगे देर तक बैकवर्ड क्लास। रोजगार, आज मेरे जो बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरे खाते गुरु हम घूम रहे हैं, उनका कितना अपमान किया इस सरकार ने। जो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिए, बड़ा भारी धोखा किया हमारे साथ। जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग पास हैं, जो एम कॉम है, बी कॉम है, एमबीए हैं, बड़े से बड़े पढ़ा लिखे माँ बाप ने अपनी जमीन गिरवी रख के जिनको पढ़ाया है या खून पसीने की कमाई से पढ़ाया है। मैं हरियाणा भवन में गया, एक लड़का मेरे को मिला एमए था, बोला जी मैं लग गया। मैं क्या लग गया तू? बोला जी मैं तू कितना पढ़ रहा है? बोला अबे मैं तू क्या लग गया? बोला मैं कुक लग गया। कुक का मतलब रसोई रोटी पोरियाँ। मैं तू फिर होगा रोटी? बोला मैं तो आज जाऊंगी वापस, मैं जिंदगी में नहीं पोई। इससे क्या हुआ? दो वो हुआ, जो कोई गरीब आदमी कम पढ़ा लिखा तो कुक लग जाता, वो तो वंचित हो गया, और ये अपमानित होके घर आ गया। ये बड़ी भारी चाल थी। मेरे को कहता है मुख्यमंत्री, इससे झूठे मुख्यमंत्री कोई नहीं, कि मेरी पारदर्शिता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबूत है मेरे पास, इसके यहाँ नौकरियां बिकी हैं जैसे परचून की दुकान में नौकरियां बिकती। नहीं तो एसएस बताओ, किसी भी प्रदेश का एसएस कमीशन का चेयरमैन कभी सस्पेंड हुआ है? कभी उसके आदमी अरेस्ट हुए हैं? और हमारे दिए हुए नौकरी में एक बता दो कभी इस बार किसी के इंजाम लगाओ, एक बता दो। ये आपके सामने, और राहुल गांधी ने कहा 34 लाख तो लोग तो केंद्र सरकार की नौकरियां खाली हैं। राहुल गांधी का वादा है
एक साल के अंदर अंदर 34 लाख तो वो भर देंगे। बिजली बिजली कारखाने लगाए हमने और इन्होंने बेची भार, किसान को 8 घंटे भी पूरी बिजली नहीं मिलती, रात को भी नहीं मिलती। बिजली की कोई कमी नहीं है हरियाणा में, बिजली 24 घंटे की बिजली हमारे पास है। इतना आपके इस अजीज ने 4 खाने पहले लगा के गए थे, भाई हमारी सरकार आएगी पूरी बिजली देंगे और आधा रेट लेंगे। और बेरोजगार जो हैं पढ़े लिखे, इनकी तरह इनका अपमान नहीं करेंगे। पढ़े लिखे बेरोजगारों को उनकी शिक्षा के अनुसार रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा बेरोजगारी का भत्ता देंगे उनको, ताकि अपने बाप बाप और अपने बुजुर्गों की इज्जत करना हमारा फर्ज है। पहले भी किया हमने, आज मैं देखता हूं कोई मेरा बूढ़ा बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसको खाट पे रख के बैंक में ले जाते हैं पेंशन लेने के लिए। हमारी सरकार आएगी भाई तो पेंशन बूढ़े को खाट पे दिलवाऊंगा जैसे पहले की तरह। और पेंशन हरियाणा सरकार आएगी तो कितनी होगी, 3,000 बूढ़े की शुरू करेंगे, 3,000 बूढ़े की 3,000 बुढ़िया की सर में पेंशन दी जाएगी। आज हमारे प्रयास से SYL जीत गए हम, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है हरियाणा के हक में, लेकिन ये सरकार अब तक टस से मस नहीं हुई, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी। आज चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, क्या कहा मेरे को, सारे पार्टियों की मीटिंग बुलाई, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है इनकी, नीयत ठीक नहीं है। कभी देखता हूं प्लॉट हुड्डा के प्लॉट कटे हुए हैं, उनके अनाउंसमेंट का केस आता है, मैं देखा भाई क्यों आया इनका, क्योंकि गलत कैलकुलेशन कर रखी है एम्प्लॉयज का। हमने सबसे पहले 7th पे कमीशन लागू कर दिया, HRA मिला तुम्हारे को, किसी एम्प्लॉय को HRA देंगे हम उनको। अरे ये बेचारे कर रहे हैं, चलो एक तजुर्बा करके देख लिया। इन्होंने कहा भाई हमारे को तो ओल्ड एज पेंशन लागू करो, ममता कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते भैया, ये आपके हैं। हाँ ओल्ड पेंशन स्कीम ये आपके सामने, ये तो मोटी मोटी बातें हैं भाई, लेकिन गहराई से सोचने का समय है। मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि आज अभी हमारे बड़े दिल्ली के भारी नेता भी आने वाले हैं, 10 कोई भाई जब तक वो नहीं आएगा उठना नहीं। आगे भाई वो पैदल आ रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं मिला, हेलीकॉप्टर से उतर के आनंद शर्मा जी पैदल आ रहे हैं। जब तक उनका भाषण सुन के जाएंगे हम। और आपका जो गरीब आदमी है जो गरीबी रेखा से नीचे है, उन सारे हमारे देश में 5 करोड़ परिवार हैं, ऐसे 25 करोड़ लोग हैं, देश का 20% जनसंख्या उसकी। और जितने 5 करोड़ परिवार हैं हरियाणा में भी बहुत हैं अपने, जितने वो परिवार हैं, हमारी सरकार आएगी तो हर साल उस परिवार को 72,000 रुपये हम देंगे ताकि गरीबी रेखा से बाहर आए। और जो हमने प्लॉट देने शुरू किए थे, अरे इतनी भ्रष्ट सरकार, आपको मालूम है अरावली जो पहाड़ है ये दुनिया के सबसे पुरानी पहाड़ी है, वो भी बेचने का काम किया इन्होंने, सबसे पुरानी। अरे यमुना सबका पेट भरती हमारे, आज जाके देखो कितना भ्रष्ट वहां किया हुआ है, कितनी लूट मची हुई है, यमुना का रास्ता ही बदल दिया। और जो आसपास जिनकी जमीन है किसानों की, उनका वाटर टेबल
20-20, 30-30, 40-40, 400-300 फुट नीचे चला गया, बर्बादी बे कह। मेरा किसान देखो क्या है, एक डेढ़ साल पहले किसान के क्या हालात है। एक डेढ़ साल पहले मैं चला गया पिपली मंडी, मैंने कहा भाई आलू आई हुई थी फसल, एक किसान 9 पैसे किलो बेच के आया, मेरे को रोना आया। मैं 9 पैसे, उसी दिन बयान आया इनका कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं वाह भाई वाह, 9 पैसे 18 पैसे कर दें, 18 पैसे कर दें। अरे लागत के हिसाब से करो। इसी प्रकार टमाटर आए, जब आप में से भाई बैठ जाओ 5 मिनट, टमाटर आए पशुओं को खिलाना पड़ा, लेकिन विडंबना किस बात की है। अरे किसान का आलू तो पिट गया, चिप्स सस्ती नहीं हुई, किसान का टमाटर तो पिट गया, सॉस सस्ता नहीं हुआ, अरे किसान की कपास तो पिट गई, कपड़ा सस्ता नहीं हुआ, किसान का पॉपुलर तो पिट गया, प्लाईवुड सस्ता नहीं हुआ, किसान का चावल तो पिट गई, जीरी तो पिट गई, चावल सस्ता नहीं हुआ, फिर किसको कमा के दिए भाई। हमने कहा किसान कर्जे में डूब रहा है, देश के किसान के ऊपर 15 लाख करोड़ खर्चा हो गया इस 5 साल में, 7-8 पहले था, अब बढ़ गया, इतना हो गया, किसान का कर्जा माफ करो। तो क्या जवाब आया कि हमारे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन जब खाते देखे गए तो 2.5 लाख करोड़ देश के सबसे जो धनाढ्य परिवार हैं उनका 2.5 लाख करोड़ माफ कर दिया गया, 2.5 लाख करोड़ एक कलम से। किसान के लिए पैसा नहीं है इस सरकार के पास। मैं आज कह रहा हूं, हमारे बुजुर्ग कह गए, आज कहता हूं आपको कि आप कागज में लेकर और लिख कर अपनी जेब में रख लो जो मैंने कहा है, कि भारतीय जनता पार्टी नीतिगत कभी भी किसान मजदूर की पार्टी, गरीब आदमी की पार्टी नहीं हो सकती है, ना छोटे व्यापारी की हो सकती है। आज मैं अपने व्यापारी से बात करता हूँ तो वो क्या कहता है, अगर मेरा मुनाफा तो गया दूर, मैं तो अपने पूंजी खा रहा हूँ। क्यों? कभी तो GST, कभी नोटबंदी। ये GST को राहुल गांधी जी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, और मैं कहता हूँ जी से गई, एस से सरकार और टी से तुम्हारी, गई सरकार तुम्हारी। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो इस GST का भी इलाज बांधेंगे, इसको भी जो है किसान ताकि व्यापारी अपने आप से कर सकें। कभी कभी मैं देखता हूँ मेरी आंगनबाड़ी की महिलाएं वो हड़ताल पे हैं। अरे तुम बात सुनो, हमारे समय में जब बात होती थी हम बात करते थे, रास्ता निकालते थे, उनका समाधान करते थे। यहाँ कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, कभी कोई सा दिन गया है जिस दिन कत्ल ना हुए हो, फिरौती ना मांगी हो, गुहाना मंडी में पूछो, फिरौती ना मांगी गई हो, बलात्कार ना किया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और खुलेआम बदमाश गुंडे कत्ल करते हैं और चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, ऐसा प्रतीत होता है सरकार नहीं। आपको याद होगा 2005 में भी ऐसा था, जब अपनी सरकार बनी, 1 महीने के अंदर अंदर सारे बदमाश गुंडे हरियाणा छुड़वा दिया था हमने, छुड़वा दिया था कि नहीं छुड़वा दिया था। 10 साल किसी की दुकान पे कोई इंस्पेक्टर चढ़ा भाई, मेरे व्यापारी बैठे हुए यहाँ गोहाना की मंडी के बता देंगे, कोई फिरौती मांगी गई। और आज फिर कह रहा हूँ मैं, अगर ये लोग जिस तरह इनका आशीर्वाद है मेरे को, आज मेरा हौसला बढ़ा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारी सरकार बनेगी, और जब बनेगी तो 1 महीने के अंदर अंदर बदमाश और गुंडों को हरियाणा से भगा दिया जाएगा, शांति से हरियाणा पर कब्जा पकड़ेगा, महिलाओं की इज्जत रखी जाएगी। आपके सामने भाई, लेकिन आज जो आपने भाई लठगाड़ा है ना, तोड़ पाड़ दिया जो अपने गाँव में कह गया, ऐसा मैंने जिंदगी में देखा नहीं। देखो भाई ईमानदार से कहता है, संविधान के हर जो देखिए, देश की लंबी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी हमने, और उसका क्या नतीजा निकला, हमने एक संविधान बनाया, संविधान अनुसार चुनाव होता है, हर की वोट की कीमत बराबर है, कोई कितना अमीर हो,
गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, वोट की कीमत उतरी है। आज वो भी आपके संविधान भी खतरे में है, क्यों? इसके ऊपर बड़ा भारी हमला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शायद, और बीजेपी की सांसद कह रहे हैं शायद ये आखिरी इलेक्शन हो। आखिरी इलेक्शन का मतलब संविधान रहा तो 5 साल में करना पड़ेगा। आखिरी इलेक्शन तो जब हो सकता है जब संविधान को टाटा कर देंगे, बाय बाय कर देंगे। तो संविधान भी खतरे में आपके, और संविधान खतरे में हो गया तो वही आपके आज़ादी भी खतरे में है, आज़ादी भी खतरे में है। आपको बड़े देर हो गई, एक बात सुनो, इतना पसीना आ रहा है तुम्हारे को, मैं भी देख रहा हूँ। वो एक आधा उसका है, बैठ जाए उधर, कह रहा बैठ जाए आगे, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं भाई आनंद शर्मा जी हैं, पर एक आधा खड़ा हुआ है, बैठ जाए। तो भाई एक बात सुन लो, जो तुमने ये पसीना लिया ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये पसीना भाई खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आओगा, खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। बाकी थोड़ी सी बात मैं पंडित जी आ लेगा ना, असली तोड़ उसके बाद करूंगा मैं। इतना जगवीर सिंह का भाषण सुन लो आप। आ गए भाई पंडित जी, ले इनकी बात हो, ले भाई ले, ले यो करेगा तोड़ भाई। एक बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, एक बात सुनो भाई, ये चुनाव है ना, हैं, इसमें लठ तमगाड़ दो, अक्टूबर में तोड़ियो करवा देगा हमारा पंडित जी। अब मैं इनसे निवेदन करता हूँ, अपना भाषण दें।